नमस्ते दोस्तों तो जोहार मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के डिमांड पर 17 फरवरी को होने वाले इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट वीबिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन लेकर दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा क्योंकि आपने देखा साइंस और कॉमर्स वाले को जो है एकदम डिटेल के साथ एक एक बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स में तो आप लोगों को भी जो उसी तरह से तैयारी करना है इकोनॉमिक्स का प्ले बना हुआ है आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लीज जाके जितने भी प्ले में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया गया वीडियो उसको जाके देख लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जो प्ले का है और नहीं तो आप लोग जो है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा मैं प्ले का लिंक दे दूंगा आप लोग उस वीडियो को जितना दिन आप लोग का टाइम मिला दो दिन का उस दिन में आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए ठीक है क्योंकि इकोनॉमिक्स में बारीकी से समझा के जो है मैंने वीडियो को बनाया आप लोग जो है वहां पे स्किप मत कीजिएगा एक एक चीज को डिटेल से समझ के जाइएगा और जो डिटेल से समझ के गए हैं एग्जाम देने वो काफी अच्छा से एग्जाम दे के आए और जो केवल एक वीडियो देख के जाइएगा तो एक दिन में एक वीडियो देख के जाइएगा और पूरा किताब को बोलिएगा कि मैं एक बार में कंप्लीट

में सम्मिलित होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ठीक है ये जैक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को इसका जो है यहाँ पे मीनिंग आप लोगों को बता देता हूं ठीक है वेस्टी अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक माइक्रो में जो है एक वर्ड आ रहा आई एम आई सी आर ओ एम आई सी आर ओ ठीक है ये आई का मतलब होता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत क्या बोलते हैं व्यक्तिगत तो इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं वैष्टीय अर्थास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल का हम लोग जो है यहां पे स्टडी करते हैं ठीक है याद रखेगा तो यहां पे वैष्टी अर्थशास्त्र देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है वैष्टीय अर्थास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं यह माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा ठीक है आप लोगों को बताए थे और यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वैष्टी अर्थात जो है किस शब्द से लिया गया है तो याद रखिएगा माइक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ हो ग्रीक शब्द में जिसका अर्थ होता है मैक्रोस ठीक है और यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख दिया गया है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल इसका मतलब क्या होता है छोटे छोटा ठीक है इसमें छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं याद रखिएगा ठीक है आप लोग को जो है लिंक मैं यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है जो टेलीग्राम नहीं चलाते वो लोग जाके मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा मैं पूरा इकोनॉमिक्स का जो प्ले है आप लोग को दे दूंगा आप लोग उसको जो है दो दिन का अंतर्गत जितना हो सके आप लोग समझ समझ के वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग आसानी से अपने शब्दों में एग्जाम में लिख के आइएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं वेस्टी अस्था को पूरा अच्छे से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे वैष्टी अर्थशास्त्र में वर्तमान में व्यक्तिगत लघु इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यक्तिगत फार्म व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं ठीक है देखिए मैंने क्या कहा था इसमें हम लोग माइक्रो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में एम आई सी आर ओ क्या बोलते हैं माइक्रो एम आई सी आर ओ माइक्रो में कौन सा वर्ड मैंने पकड़ने बोला था आई को ठीक है इसका आई का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल आई का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल और इसी को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं व्यक्तिगत तो वैष्टीय अर्थास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यक्तिगत फार्म व्यक्तिगत छोटे छोटे समूह ठीक है जैसे उद्योग बाजार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि व्यक्तिगत फार्म व्यक्तिगत उपभोक्ता छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो याद रखिएगा वैष्टी अर्थशास्त्र में और वैष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा भी नाम है याद रखिएगा इसको हम क्या कहते हैं इसे को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं याद रखिएगा ठीक है इंग्लिश में भी देख लीजिए दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर रिसोर्सेज ऑनर्स एंड फार्म्स इट इज ऑल्सो एज प्राइस थ्योरी और इसे हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कीमत सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है समष्टि को वैस्टी को तो आप लोग टिक लगाएगा वैस्टी और सास को जो है कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से माइक्रो इकोनॉमिक्स को जाना जाता है ठीक है एकदम क्लियर हो गया आप लोगों के लिए जो है इकोनॉमिक्स का 150 वाला जो है एक सीरीज बनाया है ठीक है एमसीक्यू का उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाएगा और आस में जो है ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता इकोनॉमिक्स का लेकिन फिर भी जो लेवल इस बार का क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों को रिक्स लेना नहीं है एकदम डिटेल से पढ़ के जाना ही बेहतर होगा ठीक है जो बात है मैं डायरेक्ट कहता हूँ इसमें कोई जो है संदेह नहीं है मैं दावा एकदम नहीं ठोकने वाला में से हूँ कि यही एकदम जो है आप लोगों को करके जाना है क्योंकि इस बार जैक ने जो है एकदम पैटर्न को क्या किया है एकदम डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है ठीक है वैसे बच्चे जो है जो सोचते हैं एक वीडियो देख के जाके कंप्लीट कर लेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा ठीक है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है क्वेश्चन पूछा गया अनेश देखिए पहला वाला का थोड़ा सा मैं आंसर देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या आप बोला गया था क्वेश्चन पे कि वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है तो वैश्विक अर्थशास्त्र में किसे सम्मिलित किया जाता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं छोटे छोटे चरों का स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं और व्यक्तिगत मूल निर्धारण करते हैं इसमें व्यक्ति इंडिविजुअल प्राइस का डिटर्मिनेशन भी करते हैं यानी ये तीनों का बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा और तीनों का तीनों जो है हम लोग बात किस में करते हैं अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं ठीक है तो यहां पे ऑल ऑफ दिस जो होगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा और यहां पे आप लोगों को मीनिंग क्लियर हो चुका है यहाँ पे परिभाषा भी क्लियर हो गया इसको भी याद कर लीजिएगा सब्जेक्ट में भी काम आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट जो पूछा गया था उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है तो बिहेवियर ऑफ स्टडी जो हम लोग करते हैं किसका कंज्यूमर का यानी उपभोक्ता का तो उसमें जो है किसमें करते हैं हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े किसमें करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी इसी को देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी लिखा जाता है फंसाने के लिए अब आप लोग बोलिएगा सर हम तो पढ़े समष्टि और हम तो पढ़े वेष्टी इंग्लिश में एक ही नाम होता है माइक्रो और मैक्रो ठीक है लेकिन इसमें सूक्ष्म कभी लिखा जाता है तो कभी वेस्टी लिखा जाता है ठीक है तो याद रखिएगा सूक्ष्म अर्थास्त्र का मतलब ही है यहाँ पे वैष्टी अर्थशास्त्र है ठीक है तो यहाँ पे जब हम लोग उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन एक फार्म के फार्म का अध्ययन करते हैं एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो याद रखिएगा वो क्या होता है सम वेस्टी अरसास में आता है किसमें आता है वेष्टी अरसास में इसी को सूक्ष्म अरसास कहते हैं ठीक है समष्टि अलग गया यार सूक्ष्म का मतलब ही होगा वेष्टी अरसास फंसना नहीं है फसिएगा तो इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा माइक्रो ठीक है चलिए यहां पे क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्या पूछा गया के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है फिर से देखिए वही क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से जैसे घुमा के पूछा जाएगा वैसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे तो वैष्टीय के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है देखिए मैंने अभी बताया व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं ठीक है तो इसमें से व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं क्योंकि देखिएगा हम लोग इसमें संपूर्ण का बात नहीं करते एग्रीगेट का बात नहीं करते ठीक है समग्र का बात नहीं करते समग्र का बात किस में करते हैं समष्टि अस्सास में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं फिर नेशनल इनकम तो बहुत बड़े लेवल का है हम लोग क्या पूरे राष्ट्र का बात करते हैं इस पर नहीं केवल एक व्यक्तिगत फार्म व्यक्तिगत उद्योग इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो यह भी नहीं होगा वैष्टि अस्सास्म में क्योंकि हमको वैश्विक खोजना है ना तो और यहां पे क्या हो जा रहा तब यहाँ पे और तो कोई ऑप्शन नहीं है तो पहला ऑप्शन ही जो हम लोग का करेक्ट है व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है ठीक है लोगों ने पढ़ा वैस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें अब समीसा ठीक है तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं उसके बाद फिर आंसर की ओर चलेंगे समष्टि असास्थ क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है देखिए उसमें एम आई सी आर ओ लिखे थे तो उसमें आई पकड़े थे हम लोग है ना अब देखिए इसमें आ गया मैक्रो समष्टि का मतलब आ गया मैक्रो एम ए सी आर ओ इसमें कौन सा वर्ड है इसमें आपका है ए कौन सा वर्ड है ए वर्ड है और ए को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट इसी को क्या कहते हैं एग्रीगेट तो जब भी हम लोग संपूर्ण का बात करेंगे जब भी हम लोग संपूर्ण का बात करेंगे तो एग्रीगेट लिखेंगे ठीक है यहाँ पे एग्रीगेट लिखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा जाता है एग्रीगेट ठीक है याद रखिएगा इसी से हम लोग को पकड़ना है तो देखिए अंग्रेजी में मैक्रो शब्द ग्रीक के मैक्रोस से बना जिसका अर्थ होता है विशाल द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज ठीक है समस्टिश के बारे में आंसर क्या लिखेंगे समस्टिश समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है इसमें कौन सा आर्थिक चरों से समग्र समग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एग्रीगेट क्या बोलते हैं एग्रीगेट याद रखिएगा ठीक है समष्टि अर्थात समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है समष्टि अर्थात को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्यों जैसे संपूर्ण रोजगार की समस्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बचत निवेश समग्र उपभोग समग्र निवेश आर्थिक विकास आदि के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है अब देखिए यहां पे हम लोग बड़े बड़े लेवल का बात किए पूर्ण रोजगार ठीक है रोजगार की समस्या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बचत निवेश ठीक है बड़े बड़े लेवल पर हम बात कर रहे हैं इस पर समग्री समष्टि असाज में समग्र का बात कर रहे हैं आदि के अध्ययन के रूप में किया जाता है इसका क्या जैसे उसको कीमत सिद्धांत के नाम से जानते थे वैष्टि असास को इसको किस नाम से जानते हैं समष्टि को समष्टि को जानते हैं हम लोग आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से किस नाम से जानते हैं आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जानते हैं याद रखिएगा ठीक है तो ये दो बुक आप लोग को इकोनॉमिक्स का पढ़ना रहता है क्लास ट्वेल्व में जैक बोर्ड वालों को ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे इसके बारे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसको आप

इसी तरह से हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को देखते चलेंगे ठीक है देखिए क्या बोला गया था समष्टि और के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग किसका किसका अध्ययन करते हैं नेशनल इनकम का भी करते हैं अभी देखें पूर्ण रोजगार का भी बात किए कुल उत्पादन का भी बात किए जब भी कुल बात होगा राष्ट्रीय लेवल पर बात होगा तो समझ जाइएगा हम लोग किसमें अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे तो यहां पे सभी ऑप्शन करेक्ट है इसलिए ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर हो गया ये चीज इस तरह से डिटेल से समझते चलेंगे अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है ठीक है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है देखते हैं कितने सारे बच्चे मुझे ज्यादा नहीं बस फाइव स्टूडेंट्स चाहिए ठीक है मुझे देखना चाहिए कमेंट पे कि कितने सारे जो है स्टूडेंट्स लिख रहे हैं कि हाँ हम लोग को तैयारी करना है तो मैं जो है लगातार आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का जो जो वीडियोज वीडियो इंपॉर्टेंट होगा मैं डालते चलूंगा ठीक है समय काफी कम मिला है तो इसलिए उस समय का सदुपयोग करना है वैसी अहसास की शाखाएं कौन सी है विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है तो देखिए वस्तु की कीमत का निर्धारण भी करते हैं प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी करते हैं ठीक है साधन के कीमत का निर्धारण करते हैं अगला पूछा गया आर्थिक कल्याण की बात करते हैं तो इसमें हम किस बात कर रहे हैं हम लोग बात करें माइक्रो का यानी वैष्टी अहसास का किसका बात करें वैष्टी अहसास का जिसमें इंडिविजुअल यूनिट का तो उसमें हम लोग को किस नाम से जानते थे इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते थे ये तो करेक्ट था वैष्टी अहसास के लिए इसमें हम लोग कीमत का निर्धारण करते हैं बिल्कुल करते हैं इसमें हम लोग आर्थिक कल्याण का भी सोचते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ द एवो जो होगा करेक्ट होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्या बोला गया उत्पादन के निम्न में से कौन से कारक है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जो है 2011 में आर्स वालों से पूछा गया था तो देखिए छः नंबर का जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए उत्पादन के जो है साधन होते हैं भूमि ठीक है श्रम यानी लेबर और कैपिटल यानी पूंजी तो ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है चलिए देख लेते हैं क्या क्या और उत्पादन के एजेंट्स से देखिए भूमि हो गया श्रम हो गया पूंजी हो गया संगठन हो गया और उद्यमी हो गया ठीक है इंटरप्रनरशिप ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है देखिए यहाँ पे कहीं पे मनी है नहीं है ना तो याद रखिएगा मनी जो है इस पर शामिल नहीं होगा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ठीक है चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन आ गया जिन्होंने ध्यान से सुना है शुरू से वीडियो को उसको समझ में आ जाएगा ठीक है वीडियो को क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं स्किप कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे देखते हैं तो बातों को क्लियर नहीं हो पाता इसलिए बातों को समझा कीजिएगा ठीक है एकदम आसान भाषा में जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता है इकोनॉमिक्स को ताकि बच्चे जो कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से एग्जाम में लिख सकें देखिए माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा निम्न में से कौन सा शब्द है माइक्रोस रिच मींस स्मॉल बिलोंग्स टू तो देखिए किस वर्ड से आया था अभी जस्ट हम लोग बात किए ग्रीक वर्ड से किससे आया था ग्रीक वर्ड से तो फटाक से आपको आंसर मालूम होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं देखिए क्या बोला गया आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में वैष्टि और समष्टि में निम्न से किसने विभाजित किया तो किसने जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच पर डिवाइड किया था माइक्रो और मैक्रो पे ठीक है तो याद रखिएगा उनका नाम क्या था रेगनर फ्रीज क्या नाम था रेगनर फ्रीज जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा इस चीज को चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या पूछा गया किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है तो सबसे पहले जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया तो उनका एक बुक था जो 1776 पे आया था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ठीक है यानी धन के केंद्रित परिभाषा जो दिया था किसके द्वारा दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा और फर्स्ट टाइम इन्होंने अर्शास को अर्शास के रूप में प्रस्तुत किया इसलिए एडम स्मिथ को जो है क्या कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है तो धन केंद्रित जो है वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था तो वेल्थ डेफिनेशन दिया था आपका किसने एडम स्मिथ ने ठीक है आप लोग बताइए कि मार्शल ने क्या डेफिनेशन दिया था रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दिया था नीचे कमेंट कीजिए देखते कितने सारे बच्चे करेक्ट दे रहे हैं ठीक है कमेंट कीजिए नहीं होगा तो किताब से खोजिए लिखिए लेकिन लिखने से क्या होगा आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर ये दिया था ठीक है खोज के चलिए आगे देखिए क्या पूछा गया सीमित संसाधन एवं सीमित साधने असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड तो देखिए पहले तो आए थे कौन आपका एडम स्मिथ जिन्होंने के केंद्रित यानी वेल्थ डेफिनेशन दिया था उसके बाद आए कौन अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने दिया था वेलफेयर डेफिनेशन यानी कल्याण संबंधी परिभाषा और उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स का रोबिन हुड पांडे जिसे मैं कहता हूं मेरा फेवरेट इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को जो है किसके रूप में रिप्रेजेंट किया इकोनॉमिक्स को साइंस के रूप में रिप्रेजेंट किया ठीक है अर्थशास को जो है विज्ञान के रूप में पहली बार प्रस्तुत किया ठीक है क्या तीन चीज़ें बताई उन्होंने बताया था क्या कि मानव की आवश्यकताएँ जो हैं अनिश्च जो है मानव की आवश्यकताएं असीमित है, है. मानव की आवश्यकताएं क्या है असीमित है मतलब अभी जो पैदल चल रहे हो उसको क्या शौक़ होगा कि हमको साइकिल मिल जाए जिसके बाद साइकिल वो सोचेंगे कि मेरे पास एक बाइक आ जाए मेरे पास बाइक है तो सोचेगा कि और महंगा बाइक है और महंगा बाइक आ गया तो फिर सोचेंगे मेरे पास चार चक्का गाड़ी हो जाए ठीक है यानी मानव की आवश्यकताएं जो है कभी भी खत्म नहीं होती असीमित होती है ठीक है तो उन्होंने कहा था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड क्या होता है ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है ठीक है और लेकिन अनलिमिट होने से होगा जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हैं आपको चाहिए बहुत अच्छा एक गाड़ी चाहिए दो चक्का ठीक है तो आप तो सोच के रखें कि मुझे ये गाड़ी ही लेना है मुझे आर वन फाइव ही लेना है ठीक है अब आर वन फाइव का तो जान जानते ही हैं दो लाख से ऊपर का होता है कोई भी बाइक ठीक है अब क्या आपके पास आपने सोचा आपका इच्छा है कि मैं आर वन फाइव लूँगा तो क्या आपके पास उतना धन है जिससे आप आर वन फाइव ले सकते हैं नहीं ना ठीक है यानी आपके पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है ठीक है संसाधन आपके पास क्या है सीमित है देखिए इच्छाएं असीमित होती है लेकिन संसाधन क्या है हमारे पास सीमित है ठीक है आप लोग नीचे बताइएगा आप लोगों का फेवरेट बाइक का नाम क्या है ठीक है हर किसी का पसंद होता है लड़कियों का भी पसंद होता है बाइक स्कूटी नीचे बताइएगा ठीक तो है तो देखिए मानव की आवश्यकताएं क्या होते हैं असीमित होते हैं लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है सीमित है आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित है अब कोई इंसान मान लीजिए बोलेगा ठीक है सर आप तो बोल रहे हैं कि दो लाख नहीं है अगर कोई इंसान बोलिएगा कि बीस हजार रुपया महीना कमाता है अब बीस हजार रुपये महीना अगर वो कमा रहा है तो साल में तो उसका कितना हो जा रहा है साल में मान लीजिए बारह दूनी चौबीस ठीक तो है तो मान लेते हैं दो लाख चालीस हज़ार तो वो पैसा तो सॉलिड उसका हो जा रहा है एक बाइक का तो क्या वो पैसा उसका खाली बाइक खरीदने के लिए रखा है आर वन फाइव ऐसा हो सकता है नहीं उसका उसी पैसे का जो है ये जो संसाधन है उसका ये जो पैसा है इसका उपयोग वो किस में करेगा इसका उपयोग वो परिवार को चलाने में करेगा बच्चों को पढ़ाने में करेगा ठीक है या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसमें करेगा तो किसी ना किसी चीज में ये तो पैसा खर्च हो रहा होगा ना ठीक है और महीना महीना में खर्च होगी तो मैंने साल का कैलकुलेशन बताया महीना महीना में उसका खर्च होगा बीस हजार में से तो इतना में से तो आपका लगभग अच्छा खासा पैसा खत्म हो जाएगा है ना तो ये क्या हो रहा है क्या वो इंसान आर वन फाइव को खरीद पाएगा नहीं क्यों क्योंकि उसकी इच्छा है आर वन फाइव उसका आ, इच्छा है अनलिमिटेड लेकिन उसके पास रिसोर्स क्या है लिमिटेड है रिसोर्स क्या है लिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के पास उसके रिसोर्सेज का है, जो है उस संसाधन का क्या है अलग अलग जगह उपयोग भी है यानी अल्टरनेटिव यूजेस भी है ये तीन चीज बताया बताया था किसने ने क्या मानव की की असीमित है है आवश्यकताओं तुलना में संसाधन सीमित और उसका अलग अलग जगह क्या हो रहा है उपयोग भी हो रहा है ठीक है ये तीन चीज बताया तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको चॉइस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा चॉइस करना पड़ेगा अभी मेरे लिए जरूरी क्या है ठीक है अभी इस पैसे को हम कहा लगाएं सबसे ज्यादा जरूरी कहां इस पैसे को लगाना जरूरी है यही सिखाता था आपको क्या इकोनॉमिक्स तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस यानी जो है वो जो है चयन का विज्ञान है इसमें हमको चयन करना पड़ता है कि अभी करंट सिचुएशन के लिए मेरा क्या जरूरी है तो ये बताया था किसने रॉबिन्स ने तो आप लोग इसके बारे में आसानी से अब जो जिन्होंने एकदम सामान्य भाषा में जो समझाना चाहिए मैंने समझा दिया आशा करता आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट ठीक है इतने कम समय में नहीं हो पाता शुरू से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वैसा व्यूज़ जो है वैसा देखने को नहीं मिलता था लेकिन अब जो आप लोग के भाई बहन होंगे जो इलेवेन में है उनको प्लीज़ बोल दीजिएगा उनको सावधान कर दीजिएगा कि जो है अब पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू स्टडी ठीक है अब जो है नहीं तो फिर आप लोग का मोए मोए हो जाएगा ठीक है तो ऐसा बता देना उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा ठीक है जैसे इंग्लिश में आप लोगों को दिक्कत हुआ था है ना वो सारे बच्चे लिख रहे थे सर मेरा तो आज मोए मोए हो गया <laughs> चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशासकीय अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है विच ऑफ़ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स 2011-2017 में ये पूछा गया था ठीक है तो देखिए क्या क्या होता है अभी जस्ट हम बात किए अभी क्या बात किए मानव की आवश्यकताएं जो है आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स ये तो था दूसरा मैंने बताया आवश्यकताओं की तुलना में हमारे पास संसाधन क्या है सीमित है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो ग्यारह है इसका दोनों ही ऑप्शन क्या है सही है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है अब देखिए जैक वालों का भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब रहा जो मॉडल पेपर में जिस पैटर्न से क्वेश्चन दिया गया था सजा के उस पैटर्न में क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है तो वहां पे भी जैक वालों ने भी मुंह मुंह कर दिया स्टूडेंट्स लोगों का बात तो सही है स्टूडेंट्स तो लिख रहे थे क्या लिख रहे थे कि दो मार्क्स के लिए दे दे रहा है यहाँ पे अधिकतम जहां पे पचास शब्द होना चाहिए वहां डेढ़ किसी में जो है तीन मार्क्स के लिए आपका ढाई कर दिया जा रहा है तो ये भी जो है थोड़ा सोचने वाला बात हो जा रहा है ठीक है लेकिन आप लोग उस पर चिंता मत कीजिए वहाँ पे अगर उन लोगों से वहाँ पे मिस्टेक हुआ है लेकिन आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा अगर आप सही आंसर लिखते हैं ना इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में इतना बड़ा बड़ा आंसर नहीं होता है इकोनॉमिक्स में जो है छोटा ही आंसर होता है लेकिन सटीक आंसर देना होता है ठीक है इसलिए ज़्यादा टेंशन लेके कॉपी भरने का चिंता मत कीजिएगा जितना आता है उतना लिखिएगा एग्जाम में अगर आप लोग हम लोग को क्या बोला जाता है जब हम लोग को कॉपी के लिए जा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप लोग को ये चेक करना है तो वो बताया जाता है कि आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चा पास करना चाहिए बच्चा को जो है फेल नहीं करना है ठीक है लेकिन बच्चा वहाँ पे अगर कॉपी ही ब्लैंक कर देगा टीचर थोड़ी भरेंगे वहाँ पर कॉपी को ठीक है तो आप लोग ब्लैंक नहीं छोड़ना है आप जो जानते हैं उसके संबंध में जिस अशास्त्री के बारे में जानते हैं जिसके बारे में जितना जानते हैं आप उस चीज़ को लिखिएगा ठीक है एग्जाम में कॉपी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है बहुत सारे बच्चे कॉपी कॉपी डर के मारे छोड़ देते हैं एकदम टेंशन नहीं लेना है बिंदास आपको आता है आपको ये विश्वास करना है हमको इसके बारे में हमने पढ़ा है जो भी समझा है उसको लिखिएगा जरूर ठीक है अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया अर्थशास्त्र के जनक कौन थे हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहता है हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ठीक है तो 2020 और 2021 में ये सवाल पूछा गया था तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अभी जस्ट हमने बताया जिन्होंने सबसे पहले जो है क्या अर्थशास्त्र को अर्साश के रूप में प्रस्तुत किया था सत्रह में सेवनटीन में उस बुक का नाम क्या था बोले नीचे कमेंट कीजिए फटाक से जिन्होंने सुना है ध्यान से देखिए इनके द्वारा जो है धन केंद्रित परिभाषा दिया गया था उनका नाम क्या था एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ जो है अर्सास के पिता के रूप में जाने जाते हैं चलिए लिख भी दिए हैं आप लोगों के लिए नोट कर लीजिएगा अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म जो है सन सत्रह में एडम स्मिथ के राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज के प्रकाशन के साथ हुआ था एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज बोर्न इन द विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ्स एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन ठीक है एक कब आपका सेवनटीन में और इसी के कारण इन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है किसको एडम स्मिथ को याद रखिएगा ठीक है यहाँ क्लियर हो गया इसलिए आ, के पिता किसे कहा जाता है एडम को याद रखेगा ठीक तो कि है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फ्रेड मार्स्टर जो क्या कौन सा डेफिनेशन देते हैं आपका देते हैं कल्याण संबंधी विचारधारा यानी आपका वेलफेयर डेफिनेशन देते हैं कौन आपका अल्फ्रेड मार्शल ठीक है इनके द्वारा एक बुक लिखा गया तो उस बुक का नाम नीचे कमेंट कीजिए अब देखिए आगे क्या फिर से इस तरह का क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे द वर्ड माइक्रो वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाय फर्स्टली यूज ठीक है किसके द्वारा यूज किया गया था तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर वह फोर्टीन देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए देखिए असास को जो है दो ब्रांच पे जो है लाए थे दो ब्रांच के रूप में किसने लाया था रेगनर फ्रीस ने ठीक है याद रखिएगा और उन्होंने जो है इस शब्द का फर्स्ट टाइम जो है यूज किया था तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टीन का रेगनर फ्रीज जो होगा करेक्ट आंसर होगा चलिए बहुत सारे बच्चे जो है रेगनर फ्रीज के बारे में जानना चाहते हैं यहाँ पे लिखा है रेगनर फ्रिज के बारे में इसको भी नोट कर लीजिएगा देखिए क्या लिखा है रेगनर फ्रीज ने कब जो है कब किया था ये चीज 1900 तैंतीस में पहली बार आर्थिक सिद्धांतों को दो शाखा में दर्शाने के लिए जो है वेस्टी और समष्टि शब्द का प्रयोग किया था रैगेनर फ्री स्कॉन्ड द वर्ड्स माइक्रो एंड माइक्रो इन नाइनटीन थर्टी थ्री डोनेटेड टू द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर तो फिफ्टीन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा किन के अनुसार जो है अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के, के जो है विज्ञान के रूप में कहा गया है तो फिफ्टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सल क्या होगा अल्फ्रेड मार्सल जो होगा करेक्ट आंसर होगा चलिए सिक्सटीन का देखते हैं सिक्सटीन नंबर पे जो है करेक्ट क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो है पूछा गया प्रोडक्शन तो इसमें से क्या नहीं है पूछा देखिए मैंने इसके बारे में भूमि के बारे में भी कहा था श्रम के बारे में भी कहा था पूंजी के बारे में लेकिन इसके बारे में हमने कोई डिस्कस नहीं किया था यानी मुद्रा जो होगा आपका क्या नहीं है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या पूछा गया देखिए वैश्विक अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है विच ऑफ द फ्लाइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स दो में ये पूछा गया है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी मैंने एक वर्ड आप लोगों को ट्रिक बता दिया था एम आई सी आर ओ लिखते हैं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रो माइक्रो में कौन सा वर्ड पकड़ने बोले थे आई तो आई का मतलब होता है क्या इंडिविजुअल तो देखिए यहाँ पे आई मिला इंडिविजुअल यानी ये सही है यहाँ पे भी आई मिला इंडिविजुअल यानी ये भी सही व्यक्तिगत फार्म भी सही है यहाँ पे भी आय मिला यानी आपका व्यक्तिगत जो है आपका उद्योग भी सही है यानी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन पे क्या पूछा गया अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का किस विषय वस्तु अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बींग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर का जो है करेक्ट आंसर आपका देखिए दो सब्जेक्ट मैटर पे बांटा गया एक मैक्रो एक माइक्रो तो दोनों को को ही जो हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टडी करना रहता है इसलिए दोनों ही ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है माइक्रो भी सही है और मैक्रो भी सही है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक तो है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं क्या पूछा गया निम्नलिखित में से किस अर्थास्त्री ने कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है तो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है पूछा है तो कौन नहीं है भैया तो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा देखिए जेबी से है पीगू है मार्शल है केनन है तो यहाँ पे जो 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी से क्या होगा जेबी से जो होगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बाकी सभी ने जो है कल्याणवादी विचारधारा के ये तीनों ही समर्थक थे याद रखिएगा ये जो है कल्याणवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है देखिए आगे दिया गया क्वेश्चन यहां पे Uh, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान तो कभी आदर्श विज्ञान है हुड इकोनॉमिक्स इज समाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव ये क्वेश्चन भी जो है फंसाने के लिए दिया जाता है तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडमेन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का अभी हमने ट्वेंटी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया ठीक है टाइम काफी ज्यादा हो गया आप लोग जो है अच्छे से स्टडी कीजिए और एग्जाम में लिख आइएगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इकोनॉमिक्स का और आगे वीडियो चाहते हैं या नहीं और प्ले जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा दिक्कत होगी तो आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा मैं आप लोगों को पर्सनली जो है प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा ठीक है और आप लोग बात को समझने का कोशिश कीजिएगा और अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिएगा ठीक है आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए वीडियोस ठीक है उस हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा आप लोग उस हिसाब से भी आगे की तैयारी कराने के लिए मैं सोचूंगा ठीक है आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया पसंद आया तो बिल्कुल लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम